प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा सिलेबस को। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहां से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से याद करने चाहिए जो कि आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जाए, तभी जाके आप सभी को पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का सिलेबस समझ में आ सकेगा। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का सिलेबस आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय आप सभी लोगों को पता ही है कि सामाजिक विज्ञान के लिए आपकी 3 पुस्तकें 4 पुस्तकें होती है। एक समकालीन भारत की पुस्तक होती है जिसका कि नाम भूगोल है, और दूसरी जो है ना आपकी क्या होती है, इतिहास विषय की पुस्तक होती है। अब आपकी जो इतिहास विषय की पुस्तक है जिसका कि नाम है भारत और समकालीन विश्व, उसके अलावा आपकी राजनीति की पुस्तक है जिसका कि नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, और अर्थशास्त्र की एक अलग पुस्तक होगी आपकी। तो देखिएगा, मैं चारों पुस्तकों का आपका सिलेबस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पार्ट आपको कितने और किस प्रकार से पढ़ लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके सिलेबस को समझे उससे पहले आप लोग पेपर के पैटर्न को समझ लें। 75 नंबर का आपका पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, समय दिया जाएगा 3 घंटे का, और उसके अलावा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 15 तक आपसे 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न नंबर 16 से लेकर 19 तक के आपके 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक के 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा का पैटर्न कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के सिलेबस को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका सिलेबस, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से। आपकी जो पहली पुस्तक है जिसका कि नाम है भूगोल, और इसका पुस्तक के ऊपर आपका लिखा होगा समकालीन भारत। तो देखिएगा समकालीन भारत में से कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ लेने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको एक तो ये वाला पार्ट पढ़ना चाहिए, भारत का आकार और स्थिति। उसके अलावा पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर आप सभी लोग याद कर ले जिसका कि नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। उसके बाद में पार्ट 3 याद कर ले जिसका कि नाम है अपवाह, और उसके बाद में पार्ट 4 याद कर ले इसमें से जिसका नाम है जलवायु। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको भूगोल कितना पढ़ना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक का भूगोल पढ़ना है। और इसके अलावा आपकी जो इतिहास की पुस्तक है जिसका कि नाम है भारत और समकालीन विश्व, तो देखिएगा इस पुस्तक में से आपको क्या करना है, इतिहास विषय की जो पुस्तक है इसमें से आपको एक तो ये वाला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद दूसरा पार्ट जिसमें कि लिखा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो ये दूसरा पार्ट भी आप सभी लोग याद कर लेंगे। इसमें जो जो भी क्वेश्चन आंसर है ना उन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में पार्ट 3 जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, इसके भी क्वेश्चन आंसर आप सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में पार्ट 4 जिसका कि नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो देखिएगा इतना आप सभी लोगों को यहाँ से पढ़ लेना है। अब इसके बाद में समझते हैं आपकी अन्य 2 पुस्तकों के सिलेबस को। तो देखिएगा अन्य 2 पुस्तकों में से आपसे कौन कौन से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिएगा राजनीति की जो पुस्तक है जिसका कि नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति में कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आपको याद करना है जिसका कि नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जो कि आपका चैप्टर 1 है। उसके बाद में इसी में से दूसरा चैप्टर याद करना है जिसका कि नाम है संविधान निर्माण, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर से आपको ये वाला चैप्टर याद करना है चुनावी राजनीति। उसके बाद में चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर याद करने जिसका कि नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको चैप्टर 1 याद कर लेना, चैप्टर 2 याद कर लेना, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को याद कर लेना है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति में से इतने चैप्टर आपको समझ लेने हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेने चाहिए, चलेगा अब यहाँ से समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अर्थशास्त्र में से अगर देखा जाए तो एक तो ये वाला चैप्टर आपका जिसका कि नाम है पालमपुर गांव की कहानी, इस वाले चैप्टर को आप सभी लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद में दूसरा चैप्टर जिसका कि नाम है संसाधन के रूप में लोग, उसके बाद में तीसरा चैप्टर जिसका कि नाम है निर्धनता एक चुनौती, उसके बाद में 4था चैप्टर जिसका कि नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट को ले लें ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर सकें। तो देखिएगा ये आपकी 2 पुस्तकों का सिलेबस है, राजनीति जिसका कि नाम है लोकतांत्रिक राजनीति और अर्थशास्त्र का। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, इसमें आपका भूगोल का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इसमें आपका इतिहास का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा सिलेबस बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।